चाहे कुछ हो जाए नवाज शरीफ बरतानिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त नहीं देंगे। तर्जुमान नून लीग का वाज़ेह ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब ने कहा कि वीजा मियाद खत्म होना एक नॉर्मल प्रोसेस है। वुकला ने ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त दायर कर दी है। ट्रिब्यूनल का फैसला आने तक नवाज शरीफ का कयाम कानूनी है। नवाज शरीफ इलाज कराए बगैर वापस नहीं आएंगे। असल ईद उन किराए के तर्जुमानों की हुई जिनको अपनी कारकर्दगी बताने के लिए तो आवाम के पास कुछ नहीं है। नॉर्मल प्रोसेस है। मियां नवाज शरीफ साहब का वीजा एक्सपायर हुआ और जो कोई भी यूके में मौजूद हो जब उनका वीजा एक्सपायर होता है तो वो एक्सटेंशन के लिए एक नॉर्मल प्रोसेस है और एक नॉर्मल प्रोसेस के तहत मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपना वीजा एक्सटेंड करने की एप्लीकेशन दी जो होम ऑफिस ने माजरत की और उसी होम ऑफिस ने उस फैसले के अंदर जहां माजरत का फैसला है उसके अंदर कैटेगोरिकली लिखा कि आप इस फैसले के खिलाफ राइट ऑफ अपील रखते हैं इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल के अंदर और उसी राइट ऑफ अपील जो इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल के अंदर मियां साहब रखते थे उनके लॉयर्स ने वो दायर कर दी। इल्जाम लगाने से पहले ये बताओ कि नैब के अंदर क्या किया, क्या हुआ जिससे मियां साहब की जो तबीयत थी वो खराब हुई। ये पर्चा तो नैब के ऊपर होना चाहिए।